बाली में आज एक और अहम मुलाकात हुई है, द्विपक्षीय बात हुई है भारत और ब्रिटेन के बीच। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी। इन दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, हैंडशेक की तस्वीरें और उस द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जी न्यूज पर। और ये कुछ अहम द्विपक्षीय मीटिंग्स और बायलैटरल टॉक्स में शामिल था प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो आज हुई है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उनसे मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने। और आपको ये भी बता दें कि आज जो तमाम कार्रवाई हुई है उसमें इंडोनेशिया ने भारत को G20 की अध्यक्षता भी सौंपी है, जो कि 1 दिसंबर से अब भारत के पास होगी 2 साल के लिए। और ये उस मुलाकात की तस्वीरें हैं, हैंडशेक की तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के बीच हुआ। इसके अलावा ये 6 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है G20 सम्मेलन के दौरान, आज के दिन भी पूरा पैक्ड रहा। जर्मनी के चांसलर, इटली की प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, इन सब से मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये तमाम वो द्विपक्षीय वार्ता है जो G20 सम्मेलन की साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल की गई थी। जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे साथ इस वक्त बाली से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आज भी ब्रह्म, जैसे कि मैं कह रही थी कि प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल पैक्ड प्रोग्राम था सारा दिन, लेकिन आज फोकस रहा है इन बायलैटरल टॉक्स पर जो तमाम देशों के बड़े लीडर्स के साथ आज प्रधानमंत्री की रही। ऋषि सुनक से स्पेशली जानना चाहते हैं कि क्या बात हुई, कुछ डिटेल सामने आई। अरे मलिक जी, लाइव सवाल हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज भारतीय प्रधानमंत्री की जो है तीसरे सत्र में, G20 का जो तीसरा सत्र था उसमें भाग लिया। इसके बाद 7 देशों के नेताओं के साथ एक के बाद एक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत की है। इसमें यूरोपियन कंट्री, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, चारों देशों के नेताओं से मुलाकात की है। साथ में सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के, इन 7 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है उसमें देखिए डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर आपसी जो रक्षा सहयोग है उसको लेकर डिस्कस हुआ है, ट्रेड को लेकर बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच में, और पीपल टू पीपल किस तरह से कनेक्ट और बढ़ाया जाए उसको लेकर। तो ये 3 अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर कोई स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री मोदी ने। भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन में, ये ऐतिहासिक रहा है उनके देश के लिए भी, कुछ जानकारी मिली उस बारे में? बिल्कुल, देखिए ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री हैं, और भले ही वो भारतीय मूल के हैं लेकिन जब दो नेता इस तरह से मिलते हैं तो बातचीत जो औपचारिक होती है वो इसी लिहाज से होती है जैसे दो देश के नेता कर रहे होते हैं। लेकिन आप जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बताती है कि किस तरह से आपका अपनापन झलकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसमें आपसी बातचीत में कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं और इसमें भी हुए होंगे, हालांकि अधिकार अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन जब दो नेता इस तरह से बैठते हैं तो अनौपचारिक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, औपचारिक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो बैठक हुई है दोनों में, जो जानकारी मिली है कि ये तीन मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन ऋषि सुनक के साथ ये पहली मुलाकात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।